Hey guys, welcome back to another video of Zitanish of Science. आज हम करेंगे miscellaneous exercise जो कि chapter function से. ठीक है, तो शुरू करने से पहले अगर इस चैनल पर कोई नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, सेलेक्ट ऑल कर दीजिए क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो पहला नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा. ठीक है, तो बढ़ते हैं. अगर इस लेक्चर शुरू करने से पहले वापस बोल रहा हूँ, अगर आपने एक्सरसाइज वाले पार्ट मिस किया है तो प्लीज़ जाके एक्सरसाइज वाले पार्ट देख लीजिए, फिर आ जाइए मिसलेनियस सम की तरफ. ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम गिवन अल्टरनेटिव्स. इफ log 5x माइनस 9 माइनस log x प्लस 3 इक्वल टू log 2 देन x इक्वल टू. ठीक है, सिंपल से पूछा है कि log 5x माइनस 9 माइनस log x प्लस 3, तो log 2 देन x का वैल्यू ढूंढना है, इनमें से कौन सा वैल्यू है. ठीक है, तो इसको कैसे करना है, वेरी सिंपल. हमें क्वेश्चन क्या दिया है, log 5x माइनस 9 माइनस log x प्लस 3 इक्वल टू log 2. ठीक है, इसको लिखेंगे. फिर अभी ये माइनस आए तो हमें पता है क्या करना रहता है, हमें लिखना है log 5x माइनस 9 अपॉन x प्लस 3 इज इक्वल टू log 2. सो log log गेट कैंसिल, जो बचता है 5x माइनस 9 अपॉन x प्लस 3 इक्वल टू टू, जो कि होगा 5x माइनस 9 x प्लस 3 उधर गया तो क्या आएगा 2x प्लस 6. तो इसको लिख सकते हैं कि 5x माइनस 2x इक्वल टू 6 प्लस 9, जो कि है 3x इक्वल टू 15, देयरफॉर x इक्वल टू 5. x का वैल्यू क्या है, 5. देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं है, दैट इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, समझ में कैसे सॉल्व किया इसे, जल्दी से नोट डाउन कीजिए. चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं. हम जो करेंगे जो हमने सीखा है, ठीक है, जो रेस्ट हो गया वो एंट्रेंस के साथ करेंगे हम. ठीक है, तो नेक्स्ट जो करेंगे हम ये वाला करेंगे, फिफ्थ वाला, जो कि दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन माइनस एक्स, देन एफ ऑफ एक्स इज. ठीक है, फंक्शन निकलना है, तीन बार एफ ऑफ एक्स निकालना है. तो कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स करके दिया है. ठीक है, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, तो एफ ऑफ एफ एक्स क्या आएगा, तो इसका फंक्शन ऑफ एफ एक्स डालेंगे तो क्या आएगा कि जिधर एक्स से उसकी जगह आएगा ये वाला होल टर्म आएगा. तो कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स की जगह क्या लिखेंगे, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स. अगर डिनोमेटर सेम करूँ तो क्या आएगा, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स. तो ये जाएगा ऊपर, जो कि बनेगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस 1 0, माइनस एक्स बचता है
ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर मैं ऐसे लिखूँ माइनस को कॉमन निकल के एक्स माइनस वन अपॉन माइनस एक्स, तो माइनस माइनस के कैंसिल, बचता है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। ठीक है, ये तो हो गया एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कीजिए। हमें इसका वापस एक फंक्शन निकालना है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं एफ ऑफ एक्स निकालना, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो उसका क्या आएगा, उसका क्या आएगा, अगर हम एफ ऑफ एक्स निकालिए तो क्या आएगा, हम लिखेंगे वन अपॉन वन माइनस एक्स की जगह आएगा ये वाला एक्स माइनस वन वाला, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। अगेन डिनोमीटर सेम करें तो क्या आएगा, एक्स माइनस ये ब्रैकेट में, ठीक है, तो माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। एक्स ऊपर जाएगा तो क्या मिलेगा, एक्स अपॉन ये कट हो जाएगा, बचता है वन जो कि है एक्स। सो द आंसर इक्वल टू एक्स। देखते कौन से ऑप्शन में, दैट इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ में आया, ये दोनों नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट लिख दे क्या है, नेक्स्ट जो कि सिक्स वाला कह रही है, इफ़ एफ ऑफ आर रिलेटेड टू आर इज डिफाइंड बाई एफ एफ इक्वल टू एक्स क्यूब देन एफ इनवर्स एट इज इक्वल टू। और हमें लिखना है एफ ऑफ इनवर्स एट का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स का एट का वैल्यू क्या निकलेगा देखते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स जो कि दिया है एक्स क्यूब दिया है। ठीक है, और हमें पता है कि वाई इक्वल टू एफ एक्स रहता है, तो इस हिसाब से हम लिख सकते हैं, देयरफॉर वी कैन राइट वाई इक्वल टू एक्स क्यूब। और अगर मैं सिर्फ एक्स को रखता हूँ उधर तो मुझे क्या मिलेगा, वाई वन बाई थ्री मिल जाएगा। दैट इज़ नथिंग बट हमें एक और पता है कि एफ ऑफ इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स रहता है, सो वी कैन राइट एफ इनवर्स वाई इक्वल टू वाई वन बाई थ्री। ठीक है, तो हमें एफ ऑफ इनवर्स एट निकालना, तो वाई की जगह एट डालता हूँ मैं, तो क्या मिलेगा, एफ ऑफ इनवर्स एट इक्वल टू वाई की जगह एट आएगा, तो एट वन बाई थ्री। एट का मुझे पता है, एट को मैं ऐसे ले सकता हूँ टू क्यूब वन बाई थ्री, सो थ्री थ्री गेट कैंसल, बचता है टू। That is nothing but option number A। ठीक है, सिंपल था, फिर इसे भी नोट डाउन कीजिए।
ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते क्या है। नेक्स्ट ये, लेट द फंक्शन एफ बी डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 3x, देन फाइंड एफ ऑफ इनवर्स x, एफ ऑफ इनवर्स x बोला है। ठीक है, हमें बताया एफ ऑफ इनवर्स x क्या रहता है, y इक्वल टू और y जी y इक्वल टू एफ ऑफ इनवर्स x समथिंग कुछ रहता है। ठीक है, नहीं y इक्वल टू एफ एक्स रहता है। ठीक है, तो देखते क्या है, अभी क्वेश्चन में क्या दिया, एफ ऑफ एक्स दिया है कि 2x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 3x, इसका एफ ऑफ इनवर्स x निकालना है, मतलब इसका इनवर्स करना है। हमें पता है y इक्वल टू एफ एक्स रहता है, तो इक्वेशन क्या बनेगा, 2x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 3x इक्वल टू y, जो कि है 2x प्लस 1, अगर ये 1 माइनस 3 तो जाता है तो क्या बनेगा, y माइनस, ठीक है y को ऐसे रहने दो, उसको कुछ करेंगे नहीं, 1 माइनस 3x आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसको और क्या कर सकते हैं कि ठीक है, अंदर मल्टीप्लाइज करते क्या बनता है, देखते 2x प्लस 1 इक्वल टू वाई माइनस 3xy। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 3xy इक्वल टू वाई माइनस 1, इसमें से x कॉमन आया तो क्या बचता है, 2 सॉरी माइनस आ जाएगा तो प्लस आता है, तो 2 प्लस 3y बचता है एंड दैट इज इक्वल टू वाई माइनस 1। सो मैं इधर लिख सकता हूँ कि x इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 3y, जो कि है f इनवर्स y करके, ये था f इनवर्स y। तो हम क्या करेंगे, जिधर y हमें f इनवर्स x चाहिए, तो इनवर्स फंक्शन में देखें हम रिप्लेस करते हैं तो हमें f इनवर्स x मिल सकता है, तो हम करके रिप्लेस y बाय x रिप्लेस करा लेंगे y बाय x, तो क्या मिलेगा हमें, एफ ऑफ इनवर्स एक्स इक्वल टू जिधर वाई उधर एक्स पुट करेंगे तो एक्स माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 3x आ जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर ए वाला, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ में आया, ओके, तो इसे भी नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो कि दिया है, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड एफ ऑफ 0 इक्वल टू 3 एंड एफ 2 इक्वल टू 1, देन फाइंड एफ ऑफ 1 फाइंड करना है। ठीक है, तो एफ ऑफ 1 फाइंड करना है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। पहले हमें एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस बी एक्स
प्लस सी दया, ठीक है। तो हमें गिवन में क्या दिया, एफ ऑफ जीरो का वैल्यू दिया, एफ ऑफ जीरो इक्वल टू 3 दिया है। तो हम क्या करें, जीरो इक्वल एफ ऑफ जीरो का वैल्यू निकालेंगे, मतलब एक्स का जीरो डालते हैं तो क्या मिलेगा, एफ ऑफ जीरो इक्वल टू 2 इंटू जीरो इज़ ज़ीरो प्लस बी इंटू जीरो इज ऑल्सो ज़ीरो प्लस सी आ जाएगा। तो सी इक्वल टू क्या आएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि एफ ऑफ जीरो का वैल्यू 3 है। नेक्स्ट कौन सा वैल्यू दिया है, एफ ऑफ टू का वैल्यू दिया, एफ ऑफ टू इक्वल टू 1 है। तो x की जगह 2 डालते तो क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 स्क्वायर इज 4 प्लस बी इंटू 2 इज 2b प्लस सी इक्वल टू 1। तो यह आ जाएगा 8 प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू 1। सी का वैल्यू क्या है, 3 है, तो 11 प्लस 2b इक्वल टू 1, 2b इक्वल टू 1 माइनस 11, सो बी का इक्वल टू आएगा माइनस 5। तो इस हिसाब से हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस बी का जो वैल्यू है जो कि माइनस x 5x प्लस 3, ठीक है। बी और सी का वैल्यू पुट किया तो हमें निकालना है एफ ऑफ वन इक्वल टू 2 इंटू 1 स्क्वायर इज 2 माइनस 5 इंटू 1 इज माइनस 5 प्लस 3, दैट इज नथिंग बट 0। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 0, जो कि है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, क्लियर। हमने बस वैल्यू पुट किया इसके अंदर। ओके, तो जल्दी से इसे सॉल्व कीजिए, मतलब नोट डाउन कीजिए, और जो बच्चा कुछ आया हो आपको होमवर्क ले देता हूँ। तो जो बचा है कुछ एमसीक्यूज वो आपको होमवर्क लेता हूँ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ, जो कि है ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस इफ इट इज अ फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। ठीक है, हमें वो पूछा है कि फंक्शन है कि नहीं देखना है, और अगर फंक्शन है उसका डोमेन एंड रेंज निकालना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दिया है 2,1, 4,2, 6,3, 8,4, 10,5, 12,6, 14,7, ठीक है। एक बार देखते क्वेश्चन क्या लिया है। क्वेश्चन में दिए है 2,1, 4,2, 6,3, 8,4, 10,5, 12,6, 14,7, ठीक है। तो अभी फंक्शन है कि नहीं कैसे देखेंगे, वेन डायग्राम निकालेंगे, ठीक है। तो वेन डायग्राम निकालते पहले ठीक है, तो वेन डायग्राम निकालते
ओके, तो एक एक करके डालते वैल्यू इसमें, डालते हैं क्या क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 and 14. अब इसमें क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ठीक है, तो पहले क्या है, 2, 4, 2, 6, 3, 8, 4, 10, 5, 12, 6 and 14. अब ये सबका एक एक फंक्शन हो रहा है, सबका एक एक फंक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन है बिकॉज सबका यूनिक वैल्यू है. तो हम लिख सकते हैं कि गिवन रिलेशन इज अ फंक्शन, गिवन रिलेशन इज अ फंक्शन. ठीक है, अभी डोमेन निकालना. डोमेन मतलब क्या रहता है, एक्स का वैल्यू जो रहता है, और रेंज मतलब जो इससे अटैच है. ठीक है, तो डोमेन कैसे लिखेंगे, डोमेन इक्वल टू क्या क्या डोमेन, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड रेंज जो कि है, रेंज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ये इसका रेंज. ठीक है, समझ में आया. ओके, तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है. नेक्स्ट बोला, ये जो आपका सब होमवर्क के लिए, ठीक है, वो ट्राई करना. नेक्स्ट बोला, फाइंड वेदर द फॉलोइंग फंक्शन आर 1, 1, 1, 1 और 1 फंक्शन, मतलब 1 और 1 फंक्शन है कि नहीं देखना है. ठीक है, तो क्वेश्चन दिया है, एफ रिलेटेड टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई. ठीक है, ये 1, 1 है कि नहीं प्रूव करना है हमें. ठीक है, क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव. ठीक है, तो अगर 1, 1 के लिए क्या रहता है, दोनों साइड 1, 1 रहना होता है. ठीक है, अगर सपोज मैं इधर एक्स के वैल्यू 1 लिखता हूँ, तो मुझे एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, एफ ऑफ 1 क्या आएगा, एफ ऑफ 1 आएगा 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 5 इज 6. और अगर एक्स का वैल्यू मैं -1 लिखता हूँ, एक्स का वैल्यू -1 लिखता हूँ, तो क्या मिलेगा, एफ ऑफ -1 इक्वल टू -1 का स्क्वायर भी 1 है प्लस 5. इसका आंसर भी आता है 6. इसका मतलब जब दोनों अलग वैल्यू है एक्स का, बट वाई का वैल्यू सेम आ रहा है. कैसे देखो, आपको दिखा दो, अगर वाई एक्स का हम ग्राफ निकालते हैं, मतलब वेन डायग्राम से शो करते हैं, एक्स का है 1, -1 और वाई 6 आ रहा है, तो इधर देखो तो दोनों फंक्शन एक्स से कॉमन है. इसका मतलब ये 1, 1 फंक्शन नहीं है. 1, 1 क्या रहता है, दोनों साइड 1. इसका भी फंक्शन की वाई में कुछ इमेज रहना होता, इसका भी कुछ इमेज रहना होता, बट इधर दोनों का इमेज सेम है.
इसका मतलब ये 1-1 नहीं है, तो मैं हम लिख सकते हैं कि एफ इज़ नॉट 1-1 फंक्शन, नॉट 1-1 फंक्शन। ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। नेक्स्ट ये है एफ रिलेटेड टू आर माइनस थ्री, मतलब आर एक्सेप्ट थ्री, डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फाइव एक्स प्लस सेवन एक्स माइनस थ्री फोर, एक्स बिलोंग्स टू आर बट नॉट थ्री। हमें देखना है 1-1 है कि नहीं, एक्स का वैल्यू तो थ्री नहीं रहना होगा, तो पहले से बताया थे कि अभी 1-1 के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रूफ। हमें प्रूफ करना पड़ता है एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, अगर जब ऐसा वेरिएबल में दिया है तो एक्स वन इक्वल टू एक्स टू होता कि नहीं वो देख चेक करना है। अगर होता है तो 1-1 है, नहीं होता तो नॉट 1-1। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन के हिसाब से क्या दिया है हमें क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फाइव एक्स प्लस सेवन अपॉन एक्स माइनस थ्री दिए। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, अगर हम लेट एज्यूम करते हैं एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। ठीक है, प्रूफ करने के लिए एक्स वन इक्वल टू एक्स टू के लिए हम एज्यूम करेंगे, तो इससे सर क्या मिलेगा, हमें मिलेगा फाइव ऑफ एक्स वन प्लस सेवन अपॉन एक्स वन माइनस थ्री, और इधर क्या आएगा फाइव एक्स टू प्लस सेवन अपॉन एक्स टू माइनस थ्री। ठीक है, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा हमें, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमें मिलेगा फाइव एक्स वन एक्स टू माइनस फिफ्टीन एक्स वन प्लस सेवन एक्स टू माइनस ट्वेंटी वन इक्वल टू क्या है उधर, फाइव एक्स वन एक्स टू माइनस फिफ्टीन एक्स टू प्लस सेवन एक्स वन माइनस ट्वेंटी वन। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि देखो ये फाइव एक्स वन गेट कैंसल, फिफ्टीन एक्स वन इधर आ जाएगा ट्वेंटी टू, जब सॉल्व करने के बाद मिल जाएगा ट्वेंटी टू एक्स वन माइनस एक्स टू इक्वल टू जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, तो अगर ये देखो ये टू इधर जाएगा तो ये आ जाएगा एक्स वन माइनस एक्स टू इक्वल टू ज़ीरो, तो एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ रहा है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि एफ इज़ अ 1-1 फंक्शन। हो गया प्रूफ, ठीक है, इसे जल्दी से नोट डाउन कीजिए।
लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या। नेक्स्ट ये फाइंड वेदर द फॉलोइंग फंक्शन आर ऑन टू और नॉट, ऑन टू और नॉट। ठीक है, पहला दिया एफ एफ एक्स इक्वल टू सिक्स एक्स माइनस सेवन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, ऑन टू का कंडीशन कह रहे थे ऑन टू। ऑन टू का कंडीशन कह रहता है कि वाई का जो भी वैल्यू रहेगा वो एक्स में इमेज रहना पड़ता है उसका, उसको हम ऑन टू कहते। ठीक है, उसको ऑन टू कहते। तो इस हिसाब से तो पहला क्वेश्चन दिया है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सिक्स एक्स माइनस सेवन, वो जो x का वैल्यू बिलोंग्स टू इंटीजर रहना चाहिए। ठीक है, तो हमें पता है y इक्वल टू एफ एक्स है, तो इस हिसाब से हम लिख सकते हैं y इक्वल टू सिक्स एक्स माइनस सेवन। तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू सेवन प्लस वाई अपॉन सिक्स। ठीक, तो अभी कंडीशन क्या है, हर एक y का वैल्यू पुट करने के टाइम x का वैल्यू मिलना चाहिए, नहीं तो नहीं ऑन टू हो सकता है वो। तो अगर y का वैल्यू मैं वन पुट करता हूँ तो मुझे x का वैल्यू क्या मिल रहा है, x का वैल्यू मिल जाएगा सेवन प्लस वन इज एट, एट अपॉन सिक्स जो कि है फोर अपॉन थ्री, जो डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर को बिलोंग ही नहीं कर रहा, तो इसका मतलब x का वैल्यू नहीं मिल रहा है। तो हम लिख सकते हैं f इज नॉट ऑन टू। ठीक है, तो जो नेक्स्ट टाइम मैं आपको होमवर्क लेता हूँ इसे नोट डाउन कीजिए। Let's see.